मेरे को आज रात ख्वाब आया जिसमें सैलाब आता है और हम मेरी फैमिली और मैं अलग अलग हो जाते हैं, इसकी ताबीर मेरे को बताइए। आप तो अच्छा नहीं है, अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को शादो आबाद रखे और आजमाइशों से महफूज फरमाए। सैलाब का देखना, जलजले का देखना, आसमानी बिजली का गिरना, ये आजमाइश मुसीबत और किसी भी तकलीफ की ये अलामत होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए और बहुत बेहतर होता है, क्योंकि मुसीबत जब बंदे पर आती है तो उसे सब्र करना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक कादर मुतलक है, अगर बंदा उसके बारगाह में दुआ करता है तो मुसीबत को वो टाल सकता है। और इसका एक बेहतरीन ज़रिया राय खुदा में सदका करना है, तो कुछ सदका भी कर दें और यूँ दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को, सबको आजमाइशों से महफूज फरमाए। तो जिनकी ये कॉल थी, सवाल था, ये भी और भी नाजरीन जो हमें कॉल नहीं कर पाते या किसी भी वजह से राबता नहीं कर पाते, अगर इस तरह का ख्वाब कभी भी देखें तो शेयर ना करें हर एक से और सदका कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आफियत वाला मामला होगा। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई सैलाबी कैफियत देखी हो, बाज़ इलाक़ों में सैलाब आते रहते हैं और कोई पुरानी ख़बर जहन के अंदर कोई इम्प्रेशन है, कोई इमेज है जो जहन में रह गया और उसने इस तरह का मंजर देखा जो कभी उसने जागते हुए देखा था, उस वही देखा हो या उस जैसा देखा हो, तो ये भी एक सबब इसका हो सकता है। तो बहरहाल हम यूँ कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ये चूँकि अच्छा नहीं है तो यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें और कुछ सदका करें।